अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम सैयद महमूद इकबाल है। ये मेरा बच्चा सैयद मोहम्मद है। 3 महीने से जो है इसकी तबीयत बहुत ख़राब है। टेस्टा वस्टा कराए, सीटी स्कैन, अल्ट्रासाउंड और सिस्टोस्कोपी, तो उस पर निकला कि इनका यूरिन जहाँ से पास होता वो पाइप दबे हुआ है। वो दबे हुआ रहने की वजह से जो है यूरिन पूरा पास नहीं होके रिटर्न किडनियों पर मार के किडनियाँ डैमेज हो रहे और स्वेलिंग आ रहा उससे बोल के। तो अब ये किस वजह से दबे हुआ है ये पाइप, इसका क्या ट्रीटमेंट कर, कैसा ट्रीटमेंट करना है, वो करने के लिए एक जो है एक और टेस्ट कराना है जो सिर्फ हैदराबाद सिकंदराबाद में जो है एक ही दवाखाने में होता है, हैदरगुड़ा अपोलो हॉस्पिटल में। 30 से 32 हज़ार तक का टेस्ट है, वो एक ही हॉस्पिटल में होता। वो टेस्ट कराने के बाद पता चलता कि भाई इनको किस टाइप की सीजरिंग करना है, क्या ट्रीटमेंट करना है इनका बोल के। और सीजरिंग के 1.5 से 2 लाख रुपये का बताया है डॉक्टर, इतने आप रख के जो है शुरू करना बोल के, टेस्ट के 30 से 32 हज़ार रुपये का तक का बोल के। मैं मेरे पास जो भी था 3 साढ़े 3 महीने में मैं पूरा वो हो गया। अब उतनी मेरी गुंजाइश नहीं है, मैं उतना करा वैसा बस। अमजदुल्ला खान साहब से जो है ये गुजारिश है कि अगर कुछ हेल्प मिल गई तो बहुत अच्छा था। बच्चा जल्दी रूबा सेहत होता था, बहुत तकलीफ़ में है बच्चा, यूरिन नहीं आ रहा और किडनियों में बहुत दर्द बोल के तड़पता बच्चा। जो भी लोग ये देख रहे हैं, जो भी साहब देख रहे हैं, अगर कुछ हो सके तो मेरी मदद करिए। और मेरा गूगल पे फ़ोन पे नंबर है 9121587046। तो किडनी पे आ रही थी स्वेलिंग जो हम ट्रीटमेंट नहीं जो है कराने से। अब जो है दूसरे रिसेंटली एक टेस्ट कराए तो उसमें मालूम हुआ कि ये दूसरी किडनी पे भी आ रहा स्वेलिंग आ रहा, दूसरी किडनी भी जो है इफेक्टेड हो रही बोल के। अब वो माजिद आदिल सर वही बोल रहे हैं, यूरोलॉजिस्ट माजिद आदिल के हाथ पे और गौतम सर यूरोलॉजिस्ट के हाथ पे चल रहा ट्रीटमेंट। उन लोग बोल रहे हैं कि जल्द से जल्द जो है ये ट्रीटमेंट करा लेना, नहीं तो और ज़्यादा डैमेज होते बोल के। अब वो ट्रीटमेंट शुरू जब होता, जब ये पहले टेस्ट हुआ के बाद जो है ट्रीटमेंट शुरू होता कि किस नवियत का है ट्रीटमेंट, किस नवियत की सीजरिंग है करना पड़ता बोल के ऐसा बोल रहे डॉक्टर। यूरिन नहीं आ रहा था 3-4 दिन से, तो यूरिन बैग में 4-5 दिन पहले डाल लेके आके डाला था यूरिन बैग। अब वो यूरिन की जगह दर्द हो रहा बोले तो आज ही जो है निकालने लगाया मैं, अभी हॉस्पिटल से आ रहा हूँ आईवीसी से निकाल के। उन लोग बोल रहे कि टेस्ट कब करा रहे, कब ट्रीटमेंट नहीं करते क्या, ज़्यादा पेन किलर भी नहीं दे सकते बोल के बोल रहे, एंटीबॉडी और पेन किलर नहीं दे सकते, बहुत बच्चा कम उम्र है, दूसरे ऑर्गन्स पे इफेक्टेड होता बोल के, ये जल्द से जल्द कराओ बोल रहे उन लोग।